दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। पक्षियों की बहुत ही अलग तरह की प्रजाति होती है। इनमें क्षमता होती है कि वो कहीं भी उड़ान भर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि ये पक्षी तारों पर बैठे रहते हैं। आपके दिमाग में आया होगा कि ये आखिर तारों पर क्यों बैठते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिला होगा। आइए तो हम आपको इस बात का जवाब देते हैं कि ये पक्षी तारों पर क्यों बैठते हैं। पक्षियों का संरक्षण करने वाली अमेरिकी संस्था ऑडबॉर्न वर्मोंट के मैनेजर मार्क लाबा के मुताबिक इसके कई कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है कि शिकारी पक्षी जैसे चील और बाज को ऊपर से बैठकर पेड़ पर बैठे अपने शिकार को ढूंढने और उस पर नजर रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा कई दूसरे पक्षी मौसमी माइग्रेशन पर जाने से पहले टेलीफोन या अन्य तारों पर इकट्ठे होते हैं। इन्हें आप गर्मी के अंत या सर्दी की शुरुआत में तारों पर लदा हुआ देख सकते हैं। कई पक्षी अपनी प्रजनन प्रक्रिया के समय तारों पर मिलते हैं, क्योंकि सिंगल पक्षी के लिए एक साथी पाना काफी मुश्किल होता है, खासकर जब उसका मुकाबला करने के लिए कई और पक्षी तैयार बैठे हों। उदाहरण के तौर पर गाने वाले नर पक्षी बसंत के मौसम में तारों पर बैठकर गाना गाते हैं और मादा को लुभाने की कोशिश करते हैं। तो अब जब भी आप पक्षियों को तारों पर लदा हुआ देखो तो ये मत सोचना कि वो बेवजह बैठे हैं। अब हर बात का एक कारण तो होता ही है ना।